फिल्मों में अभी तक आपने सेंट्रल जेल से कैदियों को भागते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी फिल्मी स्टाइल से कुछ कम नहीं हुआ। जहां जेल में बंद कैदी भागने की फिराक में था लेकिन सफल नहीं हो पाया। सेंट्रल जेल का यह कैदी जेल की दीवारों के अंदर ऐसा फंसा कि अधिकारियों के आगे घुटने टेकने पड़े। दरअसल शाम का वक्त था, जेल की बैरक नंबर 9 के अंदर अफसर कैदियों की गिनती ले रहे थे। तभी एक बंदी गिनती में कम मिला, जो जेल प्रहरी को चकमा देकर भाग गया था। बंदी को कम देख तत्काल ही सेंट्रल जेल का अलार्म बजाया गया। फिर क्या था, धीरे धीरे रात होने लगी, अफसर के भी पसीने बहने लगे। रात में टॉर्च लेकर जेल परिसर के अंदर आधा दर्जन अधिकारी कैदी को ढूंढने में लगे रहे, लेकिन तालाब परिसर के 6 एकड़ के घने जंगलों के बीच कैदी छुपकर बैठा रहा, लेकिन अफसर ढूंढ नहीं पाए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई फिर से सर्च ऑपरेशन किया गया, जहां कैदी घबरा गया था। कैदी ने भी भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कैदी कुछ जब तक समझ पाता सुबह हो चुकी थी। अंततः कैदी ने डैम में छलांग लगा दी और पकड़ा गया। पश्चिमी खंड में रहता था, वहाँ से नई जेल तरफ चला गया बगीचे में, जो बगीचे का एरिया 7-8 एकड़ का लगभग, बारिश भी हो रही थी, तो इसने बाहर भागने का प्रयास किया। तो चूँकि हमें पता लग गया था गिनती में एक बंदी कम है, तो पूरा प्रैक्टिस अलार्म करके पूरा गार्ड को बुलवाया गया, बारी बारी से ड्यूटी लगाई गई। चूँकि रात का समय था, बारिश हो रही थी, झाड़ियों वाला स्थान था, पूरे आउटर वाल में पेट्रोलिंग कर जेल अधीक्षक महोदय के निर्देशन में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई और रात भर शिफ्ट में ड्यूटी चली। फिर सुबह जैसे ही हुआ, बंदी झाड़ियों पर छिप गया था। सुबह बंदी को पता लगा दिन हो रहा है तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो तालाब था डैम अंदर, उसमें डूब गया था। तो सुबह उजाला होते ही उसको लगभग 8 बजे उसको पकड़ लिया गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि कैदी ने अधिकारी को 11 घंटे तक चकमा देने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, अधिकारियों की रात की भी नींद उड़ा दी। जेल से भागने की फिराक का कैदी रमेश कोल है, जो कटनी का रहने वाला है, जो 10 साल पहले ही दुष्कर्म के मामले में सेंट्रल जेल आया हुआ है। लिहाजा पूरे मामले में दो प्रहरियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण प्रहरी विजय गुप्ता और सुरेंद्र तुरकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।